हाँ भाई, नमस्कार सभी फायर फाइटरों को। एक और बड़ी फायरमैन भर्ती का अपडेट लेके फिर हाजिर। सबसे पहले तो वैकेंसी की बात करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में है, पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है आपके फेवर में, पक्ष के अंदर होगा। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर ये फायरमैन की वैकेंसी होने वाली है। सैलरी लगभग 1 लाख के समथिंग पहुंच जाएगी और रिटायरमेंट जब तक गर्दन हिलेगी तब तक 2-3 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। ठीक है, यहां पे ये 20/7/2024 का नोटिस है। फार्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। पोस्ट की तरफ मैं बात कर लेता हूं, लास्ट लास्ट में डाल रखी होगी इन्होंने, ये हमेशा फायर की जो जॉब है उसको लास्ट में डालते हैं। यहां पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर सेफ्टी, ठीक है, फायर सेफ्टी। यहां पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है पोस्टों का, सभी का इस जगह के लिए है। टोटल अगर मैं इसके अंदर पोस्ट की बात कर लूं, टोटल पोस्ट हो जाएगी इसमें टोटल 27, कितनी 27 के समथिंग शायद इसके अंदर पोस्ट हैं। क्लियर, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना। इसके साथ साथ इंपोर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे, बाकी फालतू का कुछ नहीं। इसके बाद में आ जाते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। ये आ गया क्वालिफिकेशन वाला पार्ट। बहुत सारे कैंडिडेट के संशय बना हुआ है कि कौन सा क्या कुछ डिप्लोमा चलेगा, कौन सा लगेगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। मैट्रिक प्लस फायर ऑफिसर का कोर्स होना चाहिए एनएफएससी नागपुर से। ठीक है, मैट्रिक प्लस फायर अफसर का कोर्स, क्वालिफिकेशन देख लिया, उसके बाद में देख लो जहां पे इक्वेलेंट जो शब्द यूज में लिया जाता है वो, यानी कि उसके बराबर या कोई संस्थान हो जहां पे कम से कम 6 महीने का कोर्स होना चाहिए और वो एनी अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए, बस कॉलेज बोर्ड बॉडी कुछ नहीं पूछा यहां पे। उसके साथ में वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है। हाइट 165 सेंटीमीटर होगी। एसटी कैटेगरी को 5 सेंटीमीटर का इसमें छूट है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होगी और फुलाव के साथ में 85 सेंटीमीटर। वेट कम से कम आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए, उससे तो कम क्या होगा। ये मेडिकल का जो पार्ट है ये हो जाता है अपना इस भर्ती के लिए। उसके बाद में चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। एग्जाम पैटर्न कहाँ सीख है भाई, अरे निकल जा दुश्मन। एग्जाम पैटर्न ये आ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आराम से आपको क्लियरली दिखाई दे। एग्जाम पैटर्न वाला जो पार्ट है इसके अंदर सब्जेक्ट से रिलेटिव जो है, या बोल सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो 75 पूछे जाएंगे। कितने? 75 क्वेश्चन फायर और सेफ्टी से, 15 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एबिलिटी से, जर्नल अवेयरनेस की बात करूं 10 मार्क, 75 और 10 85 85, और 15 कितना हो जाता है 100 क्वेश्चन, कितने हो गए टोटल 100 क्वेश्चन होंगे इस भर्ती के अंदर को। और इसके ऊपर कंप्यूटर बेस्ड बेस आपका एग्जाम इसके अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। ड्यूरेशन जो है एग्जाम की वो आप देख लेना कितने समय के लिए कंडक्ट होगा, लगभग 2 घंटे का ही होता है इसमें। उसके बाद में जो चीज है अपने पास में, कब से क्या कुछ इसकी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है, फिलिंग डेट है, वो एक बार देख लेता हूं। यल सारी चीजें इसके अंदर क्लियर हो जाएगी आपकी। डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन 22/7/2024 से फॉर्म स्टार्ट है। उसके बाद में लास्ट डेट हो जाती है 21/8/21 अगस्त 2024। टेंटेटिव जो शेड्यूल ऑफ इश्यूइंग एडमिट कार्ड 10/9/2024। टेंटेटिव मंथ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सितंबर के अंदर है। किसमें? सितंबर के अंदर। तैयारी शुरू कर दो, टाइम नहीं है इतना। ठीक है, टाइम नहीं है इतना। और लाइकली शेड्यूल फॉर द पब्लिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट शॉर्ट लिस्ट फॉर एसपीपीटी 3rd week October 2024। कहने का मतलब है कि 2024 के अंदर आपको जो ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी। इसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दो, जब भी 75 नंबर का जो पार्ट है फायर और सेफ्टी से रिलेटिव है इसके अंदर। बहुत सारे कैंडिडेटों का फोन आ रखा था, सर इसका जो कोर्स है वो एक बार कंप्लीट करवाओ। भाई बिल्कुल, आज से आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फायर सेफ्टी की जॉब
हमारे पास आज फंस चुकी है। आज से इसका बिल्कुल जीरो बेस से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए और अपना जो एग्जाम का शेड्यूल है वहां तक लेके जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी आराम से अपनी तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।